आज हम ऐसे कलाकार के पास जाएंगे, उन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के दोस्त बन के अपनी दोस्ती निभाई है और टीवी सीरियल में काम का अपना जलवा दिखाया है, एड की दुनिया में भी खूब नाम कमाया है। उनका नाम है राकेश कुकरेती। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ जाने माना चेहरा है राकेश जी है, जो मिलिट्री बैकग्राउंड से आते हैं और फिल्म जगत में उन्होंने कैसा कदम रखा, इन्हीं की ज़बानी हम पूछेंगे। उसके पहले पूछना चाहूँगा राकेश जी कि आपको चेन्नई एक्सप्रेस कैसे मिली और शाहरुख खान जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा आपका? वेल, चेन्नई एक्सप्रेस के दौरान मैं एक्चुअली उस टाइम दो सीरियल कर रहा था मैं एक साथ, एक था पुनर्विवाह, दूसरा था होंगे जुदा नाम। तो चेन्नई एक्सप्रेस के टाइम पर मेरे पास डेट्स की भी बहुत प्रॉब्लम थी, तो रोहित सर के टीम के जो कास्टिंग वाले हैं उनका फ़ोन आया था मेरे पास कि मतलब रोहित सर तुम्हें मिलना चाहते हैं और एक ऑडिशन लेना चाहते हैं लुक टेस्ट ये सब। तो मैंने, लेकिन मेरे पास उस वक्त टाइम ही नहीं हो पाया था कि मैं उनसे मिल पाऊँ, तो मैं ज़्यादा वो रिस्पॉन्ड नहीं दे पाया था उस वक्त कि मैंने बोला मेरे पास डेट्स की कुछ प्रॉब्लम्स है, मैंने दो दो शो एक साथ कर रहा था मैं तो, कुछ दिन तक तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। फिर लेकिन वापस उनकी कास्टिंग टीम से फ़ोन आया कि मतलब वो चाहते हैं कि आप काम करें, मतलब हम लोग सब मतलब चाहते हैं कि आपसे आपके साथ काम करें। तो मैंने बोला चल ठीक है, तो उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया बोला ऑलरेडी, वो आपके एड्स वैड्स उस टाइम मैं एड्स भी काफ़ी कर रहा था, तो एड्स काफ़ी टीवी में चल रहे थे, तो उन्होंने एड्स देख के ही मुझे पसंद किया था एक्चुअली। तो मैंने बोला ठीक है मैं कर लूँगा, एडजस्ट करते हैं कुछ। तो सब सिलेक्शन सब कुछ हो गया, फिर कॉस्ट्यूम की बारी आई तो फिर बुलाया गया था मुझे, लेकिन मैं तब भी नहीं जा पाया मैं क्योंकि काफ़ी मैं दो दिन भर एक जगह शूट करता था, फिर आधे दिन के बाद दूसरी जगह शूट करने चला जाता था, तो वो भी नहीं जा पाया। तो उनके जो कॉस्ट्यूम वाले मेरे सेट पे आए थे, तो वहाँ फिर मेरा कॉस्ट्यूम के ट्रायल हुआ, नेक्स्ट डे मेरा शूट था। तो लकीली क्या हुआ था कि मतलब उसकी जो शेड्यूलिंग जो रखी गई थी वो नाइट की रखी गई थी, तो मेरे लिए वो इजी हो गया था कि मतलब सुबह मैं जी का एक शो था पुनर्विवाह वो करता था, दोपहर में सोनी का शो करता था होंगे जुदा ना हम, और रात को चेन्नई एक्सप्रेस की शूट करता था। तो यश राज स्टूडियो में वो शूट किया मैंने, पहली बार वहाँ मैं शाहरुख सर से मिला, रोहित सर से मिला। शाहरुख सर से रोहित सर ने मुझे जब मिलाया तो एज यूजुअल आई मीन वो बहुत सीनियर है मुझसे और मतलब बहुत बड़े मुकाम पर हैं वो, तो एक हिचकिचाहट थी मेरे अंदर मतलब। तो जब उनसे मिलाया गया तो मेरा हेलो सर हाउ यू, मेरा सिर्फ इतना रहा अबे यार दोस्तों की तरह बात कर, हम दोस्त हैं इस फिल्म में जी। तो उन्होंने एकदम खोल दिया था मुझे, मतलब कॉल में शाहरुख कॉल में दोस्त मतलब जो भी है, तो उन्होंने उसी टाइम खोल दिया सर, उनका बोलना था उसके बाद मैं खुल गया। और आप बिलीव नहीं करोगे सर, हमारे जितने भी टेक्स हुए हैं वो वन टेक ओके हुए हैं। तो आई मीन दैट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद शाहरुख सर, एंड उनमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। एक तो वो बहुत डाउन टू अर्थ हैं, बहुत रिहर्सल प्रॉपर तरीके से करते हैं सबके साथ, सारे आर्टिस्ट को एक समान मानते हैं, मैं उनके अंदर वो एटीट्यूड वो ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने। दूसरी चीज़ ये कि सर मैंने दो तीन दिन उनके साथ लगातार काम किया, उसके बाद 10-15 दिन बाद दोबारा जब मौका मिला, हम लोग गोवा में शूट कर रहे थे, तो 15 दिन बाद भी उन्हें मेरा नाम याद था अच्छे से, और उन्होंने हमारा पैकअप हो गया था गोवा में उस दिन के शेड्यूल खत्म होने के बाद, तो शाहरुख भाई निकल गए थे आगे चले गए थे, अचानक उनको ध्यान आया पीछे मुड़े वो बोला अरे राकेश मैं बाय बोलना भूल गया था चल देन सी यू, गले मिले मुझसे और फिर वो गए। तो मैंने वो जो उनका रवैया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, उससे पहले मैंने काफ़ी सुना था, हम लोग अक्सर सुनते हैं मैंने लोगों को जानते नहीं उनके बारे में, अफवाहें बड़ी फैलती हैं कि भैया उनके अंदर ये एटीट्यूड है, ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, ढंग से बात नहीं करते, लेकिन उस दिन के बाद से मेरा एकदम रवैया ही बदल गया उनकी तरह। ये तो आपने शाहरुख सर के बारे में बताया, उनके साथ आपका काम का अनुभव कैसा रहा, ये पूछना चाहूँगा मैं सर कि रोहित शेट्टी जी के साथ आपका काम करने का अनुभव कैसा था और रोहित शेट्टी जी कैसे इंसान है? चेन्नई एक्सप्रेस के बाद रोहित सर ने आगे से ही रिकमेंड किया था मुझे कि राकेश को सिंगम रिटर्न जो उनकी फिल्म थी उसमें भी लेना है, तो एक छोटा रोल था लेकिन इम्पोर्टेंट रोल था वो, तो उसके लिए उन्होंने खुद ने आगे से मुझे बोला कि तू वो करेगा, तो वो मैंने किया था। रोहित शेट्टी जी के साथ आपने दो पिक्चर की, बहुत बड़ी बात है, आने वाले वक्त में भी हम चाहेंगे रोहित शेट्टी जी आपको और कोई फिल्म में कास्ट करें। आप मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, मिलिट्री स्कूल से पढ़े हैं, आपको फिल्म लाइन का शौक कैसा जागा और कैसा आपका अनुभव रहा बचपन से लेकर, और मुंबई में आप कहाँ रहते थे और फिल्म देखने कोई थिएटर जाते थे तो कहाँ जाते? सर मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ, पहाड़ी हूँ मैं,
और उत्तराखंड में ज़्यादातर जो फैमिली में लड़के तो सारे आर्मी में ही जाते थे, तो मेरे दादा भी आर्मी में थे, मेरे पापा भी आर्मी में हैं, चाचा भी आर्मी में थे, तो आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ मैं, सेंट्रल स्कूल आर्मी स्कूल से पढ़ा हुआ मैं। तो ये जो शौक़ था सर, मेरे को लगता है ये कुदरती है सर, क्योंकि मैं जब छोटा था हम लोग पहाड़ों में रामलीला बहुत हुआ करती है, अगर आपको पता होगा तो पहाड़ों में रामलीला होती थी, तो उसमें वहाँ जो हमारे साथ के थे, मतलब जो सीनियर थे पापा के फ्रेंड्स, ये वो मुझे हनुमान जी के पीछे लगा देते थे, उनकी सेना में वो गदा लेके घूमना, वो बचपन से करता आया हूँ मैं। उसके बाद जब स्कूल जाना शुरू, ये मैं 3-4 साल का रहूँगा उस वक्त, उसके बाद स्कूल जाना जब शुरू हुआ मेरा, तो स्कूल में पार्टिसिपेट करता रहा हूँ मैं सर हमेशा, मैं चाहे वो सिंगिंग रहा हो, चाहे डांस रहा हो, चाहे एक्टिंग वन एक प्ले रहा हो, वो सारे मैं करता रहा हूँ। तो स्कूल से ही मेरा ये शौक़ जो है वो शुरू हुआ था। उसके बाद टेंथ तक मैंने डिसाइड कर लिया था, जब टेंथ में पहुंचा था मैं, कि नहीं मुझे एक्टर ही बनना है। उस दौरान मैं मुंबई में, पापा ट्रांसफ़र हुए थे मेरे, नेवी नगर में रहते थे हम, और हाँ कोलाबा नेवी नगर में रहते थे, तो मेरे घर में जो माहौल था वो पिक्चर देखने का माहौल, तो मैंने बचपन से बहुत फिल्में देखी है। पापा को सैटरडे संडे उनकी छुट्टी होती थी, तो सैटरडे को हम लोग का फिक्स रहता था कि फिल्म देखने जाना है, सुबह बाहर खाना खाना है, फिर फिल्म देखनी है, उसके घर आना है, तो ये माहौल पहले से ही ऐसा रहा है। तो एक वो इंटरेस्ट जो है बचपन से ही जागा हुआ था कि मुझे था, लेकिन मेरे पापा नहीं चाहते थे पहले शुरुआत में कि मैं एक्टर बनूँ, और वो चाहते थे कि मैं कोई अच्छा आर्मी में जाऊँ, नेवी में जाऊँ या एयरफोर्स में जाऊँ, ऐसा चाहते थे वो, लेकिन मेरा रुझान इस तरफ था, तो मैंने उनको साफ साफ कह दिया था पापा को कि मैं तो एक्टर हूँ। तो उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी थी कि बेटा तुम्हें एक्टर बनना तो ठीक है तुम बनो, लेकिन तुम्हें पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, अपने ये 10th 12th के बाद तुम जाना चाहोगे वो मैं नहीं चाहता हूँ। तो उन्होंने तो उनके कहने पर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, वो दिल्ली से मैंने किया, और उस दौरान मैं इप्टा से भी जुड़ा हुआ था, कैफी आजमी की अकेडमी है इप्टा जो, हाँ तो राजेंद्र रघुवंशी जी के अंडर में था मैं, तो काफ़ी प्ले किए मैंने उस दौरान, और तो बस उसके बाद फिर आ गए मुंबई। तो आपकी ख्वाहिश फ्री भी और फिल्म जगत में भी आपने कदम रखा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मतलब शुरुआत जो मेरी हुई थी सर, मैं पहले तो फिल्मों में ही काम, हर कलाकार जो मुंबई आता है वो फिल्मों में हीरो बनने ही आता है, मैं भी हीरो ही बनने आया था, और शुरुआती दौर में मतलब 2 साल तो मैंने कुछ काम नहीं किया सर, 2 साल तो मेरे को समझने में लगा कि मतलब मुंबई में हो क्या रहा है, कहाँ किससे मिलना है, कैसे जाना है, और वो कुछ पता नहीं था। तो पापा यहाँ पे भी, मेरे पापा ने मेरी हेल्प की थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा अगर तुमको वहाँ जाना, तुम किसी को नहीं जानते हो, तो तुम ऐसा करो किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो, तो उन्होंने आशा चंद्रा इंस्टीट्यूट अगर आपने सुना होगा, वो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, उधर मुझे ज्वाइन कराया, वो खुद मेरे पापा और मम्मी यहाँ आए थे मुझे छोड़ने, यहाँ आया मैं और उन्होंने ज्वाइन करवाया, 3 महीने का कोर्स था उनके यहाँ पे, वो मैंने किया, उसके बाद एक सर्कल बना वहाँ पे जो काफ़ी मैंने कुछ उसमें फिल्म, गोविंदा का भांजा भी उस हमारे बैच में था उस वक्त, तो वो तो खैर उन्होंने तो काम किया नहीं, वो चले गए, तो इस तरीके से फिर मतलब मेरा वो हुआ। तो शुरुआत मेरी जो हुई थी वो एड फिल्मों से ही हुई थी, पहला जो एड मैंने किया था कोलगेट का किया था, कोलगेट हो गया, स्ट्रेप्सिल्स का हो गया, ये उस दौरान ये किया था, उस टाइम सब टीवी लॉन्च हुआ था, तो सब टीवी में जो है वो मैं एंकरिंग शो करता था, तो एंकरिंग शो जो था उसमें मैं पॉप स्टार्स जो होते थे उनके इंटरव्यूज़ लेता था मैं, और जैसे अदनान सामी उस टाइम काफ़ी वो थे, फिर गुरदास मान जी हो गए, काफ़ी लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं। आपने कई सीरियल में भी काम किया है, लीड रोल में रहा है, कुछ सीरियल के नाम गिनाएंगे सर? सर सोनी का शो था वक्त बताएगा, कौन अपना कौन पराया, एक्टिंग सब टीवी का था, फिर दिया बाती हो गया, पुनर्विवाह, एक बूंद देश, आशी, सिलसिला प्यार का, परदेश में है दिल, और अभी रिसेंटली मैं राधा कृष्णा कर रहा था, राधा कृष्णा जो स्टार भारत में आता है, लॉकडाउन की लव स्टोरी स्टार प्लस में किया। राकेश जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप पुराने दौर की बात करें तो अगर पुरानी फिल्में देख, कुछ फिल्मों के नाम याद है आपने जो देखी हो? जी सर बहुत सारी हैं, मेरी एक फिल्म बहुत फेवरेट है, वो है कुमारा बाप, वो मैं बहुत बार देख चुका हूँ सर, मतलब
और मैं कभी भी थोड़ा अच्छा, मुझे पुरानी फिल्में देखने का बहुत शौक है। मेरी गाड़ी में भी मतलब मैं बीच में सीरीज़ का बहुत टाइम था, तो शूट मेरे जो तो थे SJS स्टूडियो हो गया, तो अंधेरीज, तो मैं वो फिल्में लगा देता था टीवी, उनके डायलॉग्स पर फिल्में तो देखी हुई थी मेरी, लेकिन उनके डायलॉग सुनता रहता था, अच्छा लगता था मुझे। कुवारावाद की बात करें तो आप एक लाइन गाना कोई अगर याद हो, मैं हूँ घोड़ा तू है गाड़ी मेरी रिक्शा सबसे ऐसे, बहुत और पुराने एक्टर की बात करें तो आप ज़्यादा किसको पसंद करते हैं अपने करीब? सर संजीव कुमार जी हैं, बलराज सानी हैं, और जिन्हें मैं बहुत पसंद करता हूं। और वैसे अमित जी को देख के, तो खैर अमित जी तो सभी के फेवरेट हैं, तो उन्हें देख के जो जोश, जो एक्टर बनने का जोश था वहीं से जाकर था मेरा, तो वो है। एज अ परफॉर्मर मेरे को संजीव कुमार जी सबसे अच्छे लगते हैं। दिलीप कुमार साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? दिलीप कुमार साहब खैर वो तो इंस्टीट्यूट है अपने आप में, तो वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, थे मतलब, और खैर वो तो अमर हैं अब तो। उनकी भी मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, और उनसे मिला भी हूँ सर मैं एक बार। हाँ मैं मिला हूँ उनसे, उस दौरान मैं ये जब मैं नया नया आया था, उस दौरान की बात है, ये वो एक सीरियल बना रहे थे DD1 के लिए, तो वहाँ से कॉल आया था मेरे पास, तो तब गया था मिलने। वो एक्चुअली वो शो तो हुआ नहीं, लेकिन वो एक जरिया बन गया था मेरा। मैं सायरा बानू जी और दिलीप सर के यहाँ पे गया था, और उनके घर पे बाकायदा उनसे मिला था मैं। जब फिल्म जगत में आप अपनी किस्मत आजमाने निकले, तो उस दौरान पुराने एक्टरों से आपकी कई मुलाकात हुई होगी, जैसे कि दुनिया में जो है और जो दुनिया में नहीं है, उस एक्टरों का नाम कुछ गिनाएंगे? मैं देवानंद जी से मिला हूँ, वो भी उनके बंगलों में मिला हूँ मैं, तो वहाँ पे भी उन्होंने वहाँ से कॉल आया था कास्टिंग वालों का, तो मेरी फोटोग्राफ दिखाई गई थी वहाँ पे, तो देव साहब ने पसंद किया था तो बुलाया था मुझे, तो वहाँ मैं उनसे एक बार मिला हूँ, और काफ़ी अच्छी बात भी हुई उनसे। मैंने काफ़ी गर्मजोशी इंसान है, मतलब बहुत अच्छे से मिले वो। और राजेश खन्ना जी से मिला हूँ मैं, क्या बात है? हाँ उनसे भी मिला हूँ मैं, सेट पे मिला, और DD का एक शो कर रहे थे, मेरा भी एक शो चल रहा था, तो आस पास में हमारे सेट थे, तब उनसे मिला मैं। आपने तो बड़ी बड़ी पिक्चर जैसे कि चिन्ह एक्सप्रेस की है, तो अभी आपकी क्या ख्वाहिश है, किस तरह का काम करना पसंद कर सकते हैं? सर एक्चुअली फिल्में भी मैंने जितनी भी फिल्में की, मैं रामगोपाल वर्मा के साथ भी मैंने फिल्म की नॉट ए लव स्टोरी, मैं एक्चुअली फिल्मों के लिए मैं जब शुरुआती दौर में मैंने काफ़ी ट्राई किया था सर, तो उस दौरान में मैंने फिल्में साइन भी की थी, जैसे नंदू तलानी इन लोगों की फिल्में साइन की थी मैंने, लेकिन कुछ कारणवश बनी नहीं, वो कुछ आधे बन के रुक गई थी, तो उसके बाद से सर मैंने ट्राई करना छोड़ दिया था। मैं फिल्मों में ट्राई, मैं एड वर्ल्ड में मेरा काफ़ी नाम हो गया था, अच्छा काम मिलता था, अच्छा पैसा मिलता था, और आप बिलीव नहीं करेंगे सर अप्रॉक्सीमेटली मैं सारे ब्रांड्स कर चुका हूँ मैं, और बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ भी किया मैंने काम, जिन्हें हम पर्दे में देखा करते थे कि यार मतलब सो मतलब हम तो उस वक्त स्कूल में थे, मैं 10th 11th में रहूँगा तब, जैसे जूही जी हो गई, सोनाली बेंद्रे हो गई, और करिश्मा कपूर हो गई, इन सब के अपोजिट में काम कर चुका हूँ एज ए उनके हस्बैंड के एड्स में। तो मतलब तो सीरियल्स में सर, सीरियल्स जो है ना वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो जब अभी फिल्मों के लिए रुकना भी, अभी हम लोग जब नए नए आते हैं तो सर इतने वेल स्टैब्लिश तो होते नहीं हैं, तो काम के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही होता है, तो एक सीरियल जो बहुत इजी जरिया हो गया था, वरना मतलब मिलता नहीं है इतनी आसानी से काम, लेकिन वो एक हो गया था कि मिल जाता है तो फिर वो कंटिन्यू साल 1.5 साल चलता है, महीने के 15-20 दिन बिजी रहते हैं वहाँ, अच्छा पैसा मिल जाता है, तो फिर वो बस उसी में रह गए, और मतलब 15 सालों से सीरियल ही कर रहा हूँ मैं, सब 13-14 सीरियल कर चुका हूँ मैं अभी तक। राकेश जी आप कामयाब इंसान रहे मैं समझ सकता हूँ, आप अभी काफ़ी दूर से आए हैं हिंदुस्तान से मुंबई में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, हमारे देश दुनिया पूरी हिंदुस्तान से अलग अलग जगह से लोग अपनी नसीब आजमाने आते हैं, नए एक्टर लोग आते हैं, उनको किस तरह से आना चाहिए, क्या तैयारी करके आना चाहिए, आप जरा अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को? डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके ही आप मुंबई में कदम रखें, ये मत सोच के आइएगा कि मैं मुंबई जाऊंगा वहां पे कर लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं हो जाएगा मैं, नहीं, आप जिस भी चीज़ में, चाहे वो डांस हो, एक्टिंग हो, या फिर कोई भी कला के क्षेत्र में कोई भी वो हो, उसमें अपने आप को आप पूरी तरीके से प्रिपेयर करके आए। यहाँ पे आके आप करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप यहाँ अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, वो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और उस खर्चे को निकालने के लिए दूसरे काम करने शुरू करने, जब दूसरा काम आप करना शुरू करोगे तो आप इस तरफ से भटक जाओगे जी। चलते चलते एक आखिरी सवाल,
आपकी शादी हो गई है और परिवार में कौन कौन है, क्या है, जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे, बैकग्राउंड बताइए। जी मेरी शादी हो गई है, मेरे दो बच्चे हैं, एक 11 साल की बेटी है मेरी और 5 साल का बेटा है मेरा। मम्मी पापा? मम्मी पापा जो हैं वो मेरे देहरादून में हैं, वहीं पे रहते हैं, वहाँ हमारा घर है अपना। और मेरे दो भाई हैं छोटे, वो कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, पापा रिटायर हो चुके हैं तो अभी आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। अभी एक चलते हैं, और एक आखिरी और सवाल, आप आने वाले वक्त में कुछ पिक्चर प्रोड्यूस करेंगे, कुछ सीरियल बनाएंगे या कुछ खुद का प्रोड्यूशन कुछ शुरू करने का विचार मन बनाया आपने? डेफिनेटली सर मैं करना चाहूँगा, कोशिश भी जारी रहती है मेरी कि कुछ ना कुछ मैं करूँ, तो डेफिनेटली मैं करना चाहूँगा सर। ये थे राकेश जी, अपने से ज़्यादा उन्होंने काम किया है और काम करके लोगों को दिखाया है और लोगों ने भी इनको बहुत सराहा है। सीरियल की दुनिया में भी इन्होंने अपना काम का झंडा गाड़ चुके हैं, ऐड की दुनिया में भी लोग इनको अच्छे से जानते हैं। हम चाहेंगे इंडिया आज की पूरी टीम की तरफ से इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे आने वाले वक्त में इसी तरह से कामयाब इंसान। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।